नमस्कार, आजाद न्यूज के संख में आपका स्वागत है। अंततः सरकार को मानना पड़ा कि जिले में सिलिकोसिस के रोगी हैं। इससे पहले सरकारी अफसरों ने सिलिकोसिस के एक भी रोगी नहीं होने की झूठी बात लिख कर दी थी। इससे मानवाधिकार आयोग नाराज है। मूसाबनी के तेरंगा गांव में के मिनरल नामक कंपनी में काम करने वाले 24 मजदूरों की मौत सिलिकोसिस रोग से हो गई। इसी कंपनी में काम करने वाले 5 मजदूर सिलिकोसिस जैसे खतरनाक रोग से पीड़ित हैं। ऐसा दावा है ओसाज संस्था के महासचिव समित कुमार कार का। ओसाज ने पीड़ितों की हक की लड़ाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में छेड़ रखी है। झारखंड सरकार के सचिव पूर्वी सिंहभूम, जिला के पूर्व उपायुक्त रविंद्र अग्रवाल और सिविल सर्जन दीपाली दे ने कई बार आयोग को गुमराह किया। इन लोगों ने कभी कहा कि झारखंड में सिलिकोसिस के एक भी रोगी नहीं है, कभी कहा कि एक को छोड़कर सभी कथित रोगी मर गए हैं। परंतु जब मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार के संबंधित अफसरों की लगाम कसी तो हार कर उन्होंने पिछले दिनों 6 मरीजों की जांच कराई। इनमें सिलिकोसिस रोग पाए गए। अब सरकार को इन रोगियों को मुआवजा दिलाना होगा। इसे ओसाज अपनी जीत मान रही है। इस अवसर पर ओसाज के महासचिव समित कुमार कार और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह ने सिलिकोसिस से पीड़ित मरीजों और मृत मरीजों के आश्रितों की बैठक आयोजित की। इस मौके पर सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा, इस तरह का जो गंभीर मुद्दा है और उसका जो है कार साहब ने इसको टेकअप किया है और आपको न्याय दिलाने के लिए जो आप में इन्होंने काम कार्य किया है और इसके लिए जो है हम लोग कार साहब के बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद भी हैं और पूरे मीडिया विभाग का भी हम लोग बहुत धन्यवाद है कि इसको जब भी इस तरह के मुद्दे उठे हैं तो उसमें जो है ये मुद्दा उत्तर खातर आज़ाद न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस मौके पर कि इस तरह के ज्वलंत मुद्दे जो लिंक से अलग हट के उसको जो हमेशा आज़ाद न्यूज़ ने जो है उठाया है। इसके लिए तो मैं आज़ाद न्यूज़ के संपादक महोदय का जो है उनका मैं खास तौर से धन्यवाद करता हूँ। इसी मुद्दों के लिए नहीं, और भी ज्वलंत मुद्दे जो रहते हैं वो उठाया जाता है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसमें हम लोग भी अब इनके साथ जुड़े हैं, कार साहब के साथ। इसमें किसी प्रकार का भी जो भी सहयोग कार साहब हम लोग से सिख समुदाय से लेना चाहें और इन जो है बेचारे गरीब लोग जिनको जो है तकलीफ़ है उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी हम लोग को बोलेंगे उसके लिए हम लोग इनके साथ हैं, तहे दिल से हैं। ओसाज के महासचिव समित कुमार कार ने झारखंड सरकार और जिला प्रशासन की पोल खोलते हुए कहा, सिलिकोसिस जो बीमारी है वो कोई छुआछूत वाला बीमारी नहीं है, वो एक पेशागत बीमारी है, वो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है। वो जब कोई ऑक्यूपेशन में जाता जहाँ धूल उत्सर्जन होता है, जहाँ डस्ट पोल्यूशन होता है, जहाँ सिलिकॉन ऑक्साइड रहता है, ये एस्बेस्टोस फाइबर रहता है, इस तरह का जो डस्ट डिजीज होता है जो इनक्यूरेबल डिजीज है, लाइलाज बीमारी है, वो कभी ठीक नहीं होता है और उसके लिए कंपनियों को मुआवजा देना पड़ता है, ये कानूनी प्रावधान है। आपको पिछले वर्ष डीसी का रिपोर्ट तक 2018-9 तक ये मान रहे थे कि ये लोग का सिलिकोसिस नहीं है। अब देखिए ये बताना शुरू कर दिया है कि इस आपका 4-9-2009 से बताना शुरू कर दिया है कि सारे सिलिकोसिस पीड़ित मर गए, बरान मुर्मू छोड़ के सारे लोग मर गए। क्या लिखा है, दैट नन ऑफ द वर्ड्स। वो विजिट किया था, वो तेरंगा कुन्नापानी गांव में विजिट किया था। डॉक्टर एस के सिंह MGM अस्पताल के डॉक्टर वो लिख रहे हैं कि उन्होंने दौड़ा किया था गाँव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो वहाँ काम किया हो या वहाँ पीड़ित हो। सबसे खतरनाक शब्द जो यहाँ लिखा गया है, दैट नन ऑफ द वर्कर्स हु वर्क अर्लियर वर अवेलेबल, कोई उपलब्ध नहीं था क्योंकि अधिकांश लोग मर चुका है। ओनली वन मिस्टर परन मुर्मू इज अलाइव, इसका तकदीर अच्छा है कि इसको जिंदा रखा, बाकी सभी को मार दिया। लेकिन ये जो रिपोर्ट अभी सरकारी रिपोर्ट जो अभी निकला है, ये रिपोर्ट जो सरकार मानवाधिकार आयोग को दिया है सिलिकोसिस पीड़ित है, ये लोग तो ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि सारे लोग जिंदा है। फिर हम 30 नवंबर को जाके डीसी महोदय को बोले कि साहब देखिए ये कोई जांच फांस तो नहीं हुआ है तो ये लोग तो मर जाएंगे, तो बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, हमारी बात सुनता नहीं है। तब हम आप ऊपर में चिट्ठी लिखिए, तब हम 3 दिसंबर को उपायुक्त महोदय को दूसरी चिट्ठी लिखी और लिख करके उसका कॉपी फिर मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सबको दिए कि ये डीसी महोदय ये बोल रहे हैं कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, हाँ इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए न्याय पाने के लिए दे रहा हूँ। फिर ये बात को मैंने विधानसभा में दोबारा उठाया हूँ, इस बार मार्च में फिर वो विनोद सिंह ने उठाया था इस विषय को,
तो देखिए जिन कितना सरकार के कामों में कितना विरोधाभास है। इतना दिन तक वो बोलते आ रहे थे कि इनका सिलिकोसिस बीमारी नहीं है, अब बोल रहे हैं मर चुके हैं। और हाँ, मानवाधिकार आयोग को फोन किए, साहब रिपोर्ट किया गया है, उनके जो सेशन जज है मिस्टर सी के त्यागी रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर है, उन्होंने बताया है कि ये रिपोर्ट आपके फेवर में जा रहा है, वो है कि उन लोग का सिलिकोसिस डिटेक्टेड है। लेकिन जो भी रिपोर्ट वो भेजता है मैं आपके कमेंट्स के लिए भेजूंगा। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित शेख रफीक और प्राण मुर्मू ने कहा, चल नहीं पाता है, सांस बहुत ज़्यादा होता है, खांसी ज़्यादा हमेशा होता है, अपनी होता है, ज़्यादा चलने से तकलीफ होता है, हो जाता है, वजन मेरा घट गया है। फिर मुझे रांची ले गया था, ले जाने के बाद वहाँ मुझे एक्सरे कराया गया, उसके बाद बोला कि डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं, अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अब चलिए। उसके बाद मुझे मुसावनी लेके आया गया, मुझे एक्सरे दिया नहीं गया है, बोलता कि रांची से कुछ नहीं दी गया है, तुम हॉस्पिटल से भाग के आ गए हैं। आप हॉस्पिटल से भागे नहीं थे? नहीं भागे नहीं थे, मुझे लिखाया गया कि तुम अपनी मर्जी से जा रहा है, इसमें साइन करो करके लिखाया गया। लगभग 3 साल करीब काम किया था, उसके बाद जब धीरे धीरे आदमी ने तो बीमार में मर जाने देख करके हम काम छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद 1-2 साल के बाद हमको भी धीरे धीरे बीमारी पकड़ ले, सर्दी खांसी से शुरू हो गया, ऐसा बीमारी पकड़ ला, उसके बाद कुछ खाने का स्वाद ही नहीं लग रहा था, खाना भी नहीं सक रहा था, जितना भी कोशिश करता जबरदस्ती खाने के लिए अंदर घुसता नहीं, कोई चीज़ का स्वाद ही नहीं लगता। 1 सप्ताह में एकदम पूरा सूख गया, खाली हड्डी हो गया और दिन रात हम खटिया में पड़ा रह गए, और चलने को भी नहीं होता था, कैसे चलेंगे दूसरों के सहारे में, हम उठता था लठी पकड़।